प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किया गया। उसी कड़ी में शहर के सयाजी द्वार पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बिलावल भुट्टो का पुतला फूका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस संबंध में महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल ने बताया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा न्यूयॉर्क में हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी करके जो जहर उगला है उसको लेकर देश आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते सभी जगह बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ होती है और उनका सम्मान होता है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यह है कि कटोरा मांगकर निकलता है तो उसे भीख देने वाला भी नहीं मिल रहा है। उसकी बौखलाहट को लेकर उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है, उसकी हम निंदा करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जहर उगला एवं अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर पूरे भारत देश में ही नहीं विश्व में रोष व्याप्त है। और आज पूरे देश के अंदर हर नगर और हर केंद्र पर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीति को लेकर उनकी तारीफ होती है, उनका सम्मान होता है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति आज की तारीख में यह है कि कटोरा मांग कर निकलता है तो उसको कोई भीख देने वाला भी नहीं मिल रहा है। उसकी बौखलाहट को लेकर उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसकी हम भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारे देश के नागरिकों का गुस्सा है वो आज पूरे देश के अंदर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को इसी समय के दौर में एक बार मुंह की खाना पड़ी थी और भारत देश से हारा था, उसकी भी बौखलाहट है और उसी को लेकर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको हमारे भारत देश के नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो पुतला दहन के माध्यम से हमने आक्रोश व्यक्त किया, हमारी नाराजगी व्यक्त करी है, और पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी हम मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और हमारी सेना पीछे नहीं रहेगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।